चलो चले ना, हिंदी में बात करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में बात करूं या मराठी में बात करूं? मराठी। महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे। ये आजादी की दूसरी जंग शुरू हो गई, जैसे फहाद ने कहा। खरं तर आपण मोदी आणि शहांचे आभार मानले पाहिजे की हिंदू मुसलमानांना त्यांनी पहिल्यांदा एक केलं, पहिली बार एक हुए हिंदू मुसलमान। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे एनआरसी और एनआरपी के माध्यम से संविधान पे हमला बोल दिया है मोदी और शाह ने। पहली बार मुझे दिख रहा है कि हर घर पे तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है, हर हाथ में तिरंगा है। जिस तिरंगे को आरएसएस ने गाली दी थी, कहा था हाँ तिरंगा अपशकुन है, करते हैं चार तीन रंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस कह रहा था। जिस तिरंगे को उन्होंने अपने कार्यालय पे नहीं लगाया था, वो तिरंगा लेके हम चल रहे हैं और ये तिरंगा ही हमें बचाएगा। तो दादा का कहां अंगार लगाई गई थी मुझे नहीं मालूम है। या माती ताहे राख माझ्या बाचा बाजी, कुठून आणू कागद दाखवायला आता माझ्या ओळखीची। घर नाही, दार नाही, वणवण फिरले, आभाळाला छत आणि जमिनीला आधार म्हणून जगले। इथे आहेत ना दलित बांधव, त्यांच्यासाठी आहे। तेव्हा कोणी भी उचलवलं तर जमीन मोठ होती, कारण की ती थोडीशी माझ्या बापाची पण होती। काय उघडी जमीन होती, माझा नव्हतं, तिथं राहायचो आम्ही। आता मातीची ओळख चालणार नाही म्हणतात, आता मातीची ओळख चालणार नाही म्हणतात। काढता जे चिटोरे नाही म्हणून तुमचे मातीशी नाते काय विचारतात? कागद नाही विकावं तर मिट्टी का काय असं म्हणतायचं? आता मातीची ओळख चालणार नाही म्हणतात, कागदाचे चिटोरे नाही म्हणून तुमचे मातीशी नाते काय विचारतात? आता चिटोरे कुठून आणायचे? पूर्वी हाकलत होता गावातून, आता काय हकलणार? देशातून पारधी हा प्रश्न विचारणार की प्रत्येक गावात तुम्ही आम्हाला हकलत होता, आता काय देशात हकलणार? अरे भाड्यांनो, कुठे होते रे तुमचे बाप जादे गोऱ्यांशी लढताना? लाज नव्हती वाटत तेव्हा अंग्रेजांची चाकरी करताना? भूके अनवाणी फिरले आमचे बाप, खाऊनी गोळ्या सांडले या मातीत रक्त, या मातीच्या स्वातंत्र्यासाठी फक्त जे जे जसे रक्त सांडे। गोलवलकर ने अपने किताब में कहा था, गोलवलकर ने अपने किताब में कहा था कि चातुर्वर्ण का मैं समर्थन करता हूं। किसने कहा था? गोलवलकर ने। चातुर्वर्ण का समर्थन म्हणजे काय? तर इथला जो वंजारी है, इथला जो तेली है, इथला जो माळी है, इथला जो वराळ है, इथला जो मुरमुड्या जोशी है, इथला जो पारधी है, इथला जो धनगर है, तमाम बारा बलुतेदारांना परत त्याच व्यवस्थेत न्यायचं जे 5000 वर्षापूर्वी होत। हे कोण म्हणालं? हे गोलवलकर ने कहा था। उसने उसी किताब में कहा था कि हिंदुस्तान में रहने का हक तो मुसलमानों को है, ईसाई को है, सिख को है, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोलवलकर ने स्वतंत्रता के पूर्व कहा था। उसके बाद संविधान आया और संविधान में चाहे वो अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे जितेंद्र आवार हो, चाहे अब्दुल सत्तार हो, सबको एक कतार में कर दिया और कहा कि तुमको सबको एक अधिकार है, तुम सब समान हो। और अब मैं बताना जा रहा हूं, जब संविधान आया तब इसी गोलवलकर के जो संगठन था, मैं ये कहा
कि हम ये संविधान का स्वीकार नहीं करते, हम संविधान नहीं मानेंगे, हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये 1950 में उनके था, ये संविधान को उखाड़ के फेंक देने की कोशिश अब एनआरसी और सीएए के माध्यम से हो रही है। ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। जिस दिस आदमी हमी पर नमस्कार करायला लेट तो ना नतमस्तक होने कशाला म्हणतात, हेलावतो ना लोकर तेव्हा कुठली माती लागते डोक्याला, हीच माती लागते ना। और आप सजदा करते हो तो यही मिट्टी आपको लगती है ना, यही मिट्टी। तो जो मिट्टी तुम्हारे सर पे है वही मिट्टी हमारे सर पे है, आप उसको जुदा नहीं होने देंगे। गंगा जमुना की तहजीब वो तोड़ना चाहते हैं और यही तहजीब हम एक रखना चाहते हैं। तुमची मराठी भाषा आणि 100 किलोमीटर वरती गेल्यानंतर दुसऱ्या गावची मराठी भाषा फरक आहे की नाही आहे? तुम्हारा हिंदी, नांदेड का हिंदी, सोलापूर का हिंदी और हमारा तुम्हारा बंबई का बंबईया हिंदी फरक है कि नहीं है? भारत की पहचान उसकी विविधता है। आसाम में बोली जा रही भाषा ये बंबई को समझ में नहीं आती, बंबई में बोली जा रही भाषा केरला में समझ में नहीं आती है, केरला की भाषा हिमाचल में समझ में नहीं आती। तो भी संविधान ने मुझे एक रखा है, एक बना के रखा है। कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले वाणी, मेरी भाषा बदलती है, मेरा पानी बदलता है, मेरा खाना बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, ये भारत मेरा एक है। तुम मत पटवाओगे, तुम मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगोगे? मुसलमान क्या सर्टिफिकेट है? जिन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा देश बना रहा हूं, तो यहां के मुसलमानों ने मिट्टी अपने सर पे लगा के कहा था ये मेरी माँ है, अब उससे जुदा नहीं होंगे। तुम हमको सर्टिफिकेट मांगोगे? इतना बड़ा सर्टिफिकेट होने के बाद अब कागज मांगोगे? कोणाला तुम्ही कागद मागणार? कोणा कोणाला किस किस से कागज पूछोगे? हम कागज देने वाले नहीं है। मैंने मेरे घर में तो कसम खाई है, मुझे एक बेटी है, मेरी एक बीबी है, हम तीनों ने ये कसम खाई है हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये मिट्टी मेरे बाप की है, ये मिट्टी मेरे बाप की है। आप लोग से वैसे भी कहने जा रहा हूं, कागज नहीं बताना, कागज पूछने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि संविधान ने 1951 में हमें वो अधिकार दे दिया है। मनुस्मृति जमाने के लिए एक बाबा साहब अंबेडकर को 1927 के 27 नवंबर को उन्होंने जलाई थी, तब एक बाबा साहब अंबेडकर होते हैं, अकेले बाबा साहब अंबेडकर थे। अब संविधान के नाते से हर घर में घर घर में भीमराव अंबेडकर जन्म लिए हैं, अब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। एनआरसी और सीएए हम जला कर रहेंगे, उसको आने नहीं देंगे। और इसलिए ये मुसलमानों की लड़ाई है, ऐसा मत समझो। अभी तक तो हमारे दलित और इसकी प्रक्रिया मुसलमानों को दिखा के हिंदुओं को बदनाम और बर्बाद करने की है। जान जान ये गांव सिल्लोड है, जवळच्या गावातली माणसं कोण आलेत का? जवळच्या गावातली कुठला गावचा माणूस आहे का? एखादा गावचा माणूस आहे ना? तुझ्या गावात पारध्याला येऊ दिलं जात का? पारध्याला ते मला ऐकतात 1871 साली पारध्यांना क्रिमिनल ट्राईब घोषित केलं, वडाळांना क्रिमिनल ट्राईब घोषित केलं, त्यांना गावात येण्याची व्यवस्था ही 1950 ला झाली, ती कायद्याने झाली। पण आजही समाज तो कायदा मानायला तयार नाही, वडारांना आणि पारध्यांना आजही आपण गावात घेऊ देत नाही। कुठली सर्टिफिकेट आणायची? अशा कित्येक जाती आहेत, त्या हिंदूंच्या आहेत ज्यांच्याकडे 1 इंच जमीन नाही, शाळेत कधी गेले नाही, आई वडील कुठे जन्माला आले माहित नाही। अरे अशी एक जात आहे कोल्हाट्याची की ज्यांच्या पोरांना आपला बापच माहित नाही। आणि तुम्ही नुसतं बापाचं नाव लिहा।
त्या समाजामध्ये आम्हाला ओळखच नव्हती. इथं बाबासाहेबांनी आम्हाला सांगितलं, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. म्हणून आमची पहिली पिढी शिकली आणि आज दुसरी पिढी तुम्हाला आव्हान द्यायला हवी आहे. हिंदू मुसलमान कर नाही सकते क्योंकि इनका इनको एक प्रॉब्लेम आ गया है. मुसलमानों में भी सही ढंग से अपनी गुगली डाल दी है. मुसलमान नहीं कह रहा है कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान कह रहा है कि संविधान खतरे में. और यह बिल्कुल सच है कि संविधान में दिए हुए मूलभूत अधिकारों को एनआरसी एनपीआर और सीएए ये दोनों की लड़ाई है. आप मूलभूत अधिकार मानेंगे या एनपीआर लाएंगे. और इसीलिए मैं मेरे भाषण में कहता हूं कि लड़ाई गोलवल करके विचारों की और अंबेडकर के विचारधारा की है. क्या आप गोलवलकर को चाहेंगे या अंबेडकर को चाहेंगे, ये भारत को निश्चित करना है. गोलवलकर कहते हैं अपनी किताब में. अब पुलिस तुम्ही कशाला आमचं शूटिंग करता है, मला काय कळत नाही. आम्ही मंत्री आहे काय अतिरेकी म्हणून ना आलो इथे. जरा पोलिसांनी कॅमेरा बंद करा. ये बात बिल्कुल सही है कि मनुस्मृति का जन्म और इस देश के जातीय व्यवस्था का दंग रंग जो चढ़ा था वो अल्लाह पाक ने कुरान लिखने के पहले था. तो पहले कौन आया? मनुस्मृति आया. हमारे दलित भाई यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको मंदिर में आया जाया दिया जाता था? क्या मेरे बाप को पानी पिया दिया जाता था अगर नदी पे जाऊं तो? अरे जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महार पहुंचे पानी का आंदोलन करने के लिए और पानी पीने गए तो वहां के मनु के औलादों ने बंदूक निकाल के उनको मारने की कोशिश. ये झूठ झूठ का मामला इस देश में 5000 सालों से चलता है. ये कौन सी व्यवस्था है? आज कोई बोल रहा था कि तुम्हारे बारे में कंट्रोवर्सी तैयार हो रही है. जितेंद्र आव्हाड और कंट्रोवर्सी का बहुत नजदीक का रिश्ता है और मैं किसी के बाप से डरता नहीं. मैंने क्या कहा था? सत्तार से पूछो कि भाई तेरी वक्त की जमीन कहाँ है जहां पे कब्रिस्तान है, 2 मिनट में बता देगा. अरे किसी बहुत से पूछिए कि उद्धार अक्षर मुझे बोल डाला कि वह दलित विचारा कि मांगाला विचारा कि वह ढोराला विचारा सांबाराला विचारा कि वह कवडाला विचारा कि वह पारद्याला विचारा. काय रे तुझ्या पंजोबाला कुठे जायला होतं? त्याला जागाच सांगता येणार. सबके हाथ, सबके हाथ, एक भी हाथ नीचे नहीं चाहिए. जरा खड़े रहेंगे तो मजा आ जाएगा, मेरे को मजा नहीं आ रहा है. सब खड़े हो जाइए. आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए. सबके हाथ ऊपर चाहिए. जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम. अब मैं कहूंगा हमें आवाज दो, आप कहेंगे हमें एक है. कहेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे. इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद. तो हम क्या चाहते? आजादी. अरे हम क्या चाहते? आजादी. एनआरसी से आजादी, दादागिरी से आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, अरे समंतवाद से आजादी. अरे तुम क्या चाहते? आजादी. अरे हम क्या चाहते? आजादी. अरे लड़ कराएंगे आजादी. अरे चीन कराएंगे आजादी. खुदा हाफिज.
कांग्रेस नमस्कार जय हिंद जय राष्ट्र जय हम छीन के लेंगे आजादी अरे मैं भी बोलूं किसी ने जाना नहीं है